जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, जैसा कि आप सबको पता चली गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो तारीख है 15 जुलाई, 15 जुलाई को हमारी सुनवाई होनी है। टेंटेटिव डेट हमें मिल चुकी है। टेंटेटिव का मतलब है कि 99.9% 15 जुलाई को हमारी तारीख मिल जाएगी। 1% वो एक दिन एडवांस भी हो सकती है और 1 या 2 दिन आगे भी हो सकती है, लेकिन फिक्स मानो कि 15 को ही हमारी सुनवाई होगी। अभी मेरे पास वकील साहब का फोन आया था कि भाई अब आप तैयारी करो, हमने हमारा काम कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट मुद्दे को सुनने के लिए तैयार है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमने क्या-क्या पॉइंट रखे हैं, अब हमारी आगे क्या तैयारी रहेगी, और जो लोगों के सवाल आते हैं उनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, फिर सवाल करते हैं सर हमारा डाला कि नहीं, सर होगा कि नहीं है, क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला दे सकता है, हमारे हक में होगा या नहीं होगा, सरकार क्या कर रही है, वो सारा मैं इस वीडियो में ACZ तक बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 88 पन्नों की जो ड्राफ्टिंग हमारी तैयार हुई है उसमें हमने जैसे जो पॉइंट लिए हैं, पहले मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कि मेन हमारे पॉइंट क्या है। और आगे तो मेन पॉइंट आप सभी को पता है, हमारा एयरफोर्स का ज्वाइनिंग, उसके अलावा आर्मी के जो बच्चों का एग्जाम बाकी है वो एग्जाम कराना, जिनकी उम्र सीमा 23 से क्रॉस कर गई, यानी सरकार ने सिर्फ 21 से 23 किया, लेकिन हम चाहते हैं 23 से 25 हो। उसके अलावा ये 3 मेन मुद्दे हैं जो कि फाइल में पहले ही लिखे गए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सर क्या क्या लिखा, तो ये हमने पहले ही लिख दिया। और एक लाइन डाली है कि जो TOD आई है, आपकी TOD आई है 14 जून 2022 को, इससे पहले की जो भर्ती प्रक्रिया है जिनका 30% से ऊपर या 50% से अबव जो आपका काम हो चुका है, पहले वो भर्ती कराई जाए, जो TOD की आप घोषणा ला रहे हो इसके ऊपर विचार करें। तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कुछ मुद्दे हमारे पास आ रहे हैं, जैसे CMP की बच्चियों का भी फोन आया कि सर हमारा भी इसमें ऐड कर दो। RTJSU के कुछ पॉइंट आए हैं कि सर हमारी भर्ती कैंसिल के भी, उनके सबके पास आर्मी की तरफ से क्लियर कर दिया कि जो जो भी पुरानी भर्ती हैं सब कैंसिल होंगी, नई सिरे से होंगी, क्योंकि वो जोर लगा रहे हैं लगातार। अभी बहुत से सेंटरों में डेट दे दिया, वो अपना BRO वगैरह के भी डेट दे दी, तो वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो जल्दी से जल्दी भर्ती करवा के कोर्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई युवा राजी है इस पॉइंट के लिए। लेकिन हम भी जल्दी से जल्दी करके, क्योंकि मैंने बताया था कि वकील लगे हुए हैं, तारीख जल्दी मिले, तो तारीख मिल चुकी है। अब जैसे मैंने बताया कुछ पॉइंट आ रहे हैं, जैसे एक एयरफोर्स का भी पॉइंट आ रहा है, एयरफोर्स का बच्चों का, कि सर हमारा भी टेस्ट हो चुका था, उसका रिजल्ट बाकी था। तो हम जब ये तारीख होगी, जब हमारी तारीख होगी, जब बहस होगी, तो उसमें ये मुद्दे हम रखने की कोशिश करेंगे वकील द्वारा कि साहब ये मुद्दे हैं। उसमें और भी जो पॉइंट आए हुए हैं मैं उनकी भी चर्चा करूंगा कि भाई कुछ भर्तियां हुई थी नहीं हुई थी। लेकिन आज सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, हमारा काम था यहाँ तक पहुँचाना। हमने पहले 1000 बंदे चुने थे कि भाई 1000 बंदे हो, अगर 500-500 रुपये देते हैं तो हमारा 5 लाख रुपये हो जाएगा और हमारा एक वकील ये सारा काम करेगा। उसमें से भी कुछ बंदों ने 1 रुपये से लगाकर 5, 10, 40 रुपये, 20 रुपये ऐसे भेजे, किसी ने 150, बहुत से बंदों ने 500 भी भेजे। उस रकम से हमने जो हमारी जो रोहित पांडे जी की टीम है, उनके 2 वकील और उनकी पूरी करीबन 15 बंदों की टीम इसी काम में लगी हुई है, उनकी फीस हमने जैसे भी करके कम बत्ती करके उनको दे दी। एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि अब अगर हमें सीनियर एडवोकेट चाहिए, पांडे जी का अभी मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बताया कि भाई आपने कहा था कि सीनियर एडवोकेट, तो सीनियर एडवोकेटों से हमने बात कर ली है, लेकिन मिनिमम आपको 5-6 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा और आप वो पैसा कल लेके आओ, ताकि 2 दिन उनको चैम्बर में, क्योंकि वकीलों के पास बोलते हैं ना सलाह, बाकी लोग तो फ्री सलाह देते हैं, लेकिन हम वकील के चैम्बर में जाना, उनसे सलाह लेना, और या उनको तारीख पे खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आज मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने पहले भी किया था आज भी कर रहा हूँ, कि भाई जो लोग चाहे अब तक जिसने दिया या नहीं दिया, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि हाँ केस मजबूती से लड़ा जाए, और सीनियर एडवोकेट का मतलब है 20 साल से ज़्यादा अनुभव जिसको सुप्रीम कोर्ट में हो गया, उसको मैदान में उतारा जाए, मतलब ये जो हमारे एडवोकेट हैं वो भी रहेंगे और एक सीनियर भी साथ रहे, तो केस थोड़ा सा मजबूती से लड़ा जाता है। ये राय हमने बाकी वकीलों से सबसे ली है।
तो अगर आप चाहते हो भाई, फिर कह रहा हूँ जिसने अभी तक दिया नहीं दिया, बहुत लोग कह रहे थे सर केस कर दो फिर देंगे, जीतने के बाद देंगे, फलाना देंगे, तो वो तो मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन अब इतना पैसा इकट्ठा मारने का मतलब है जो दिया वही इतना नहीं पहुँचा, तो आप एक बार सबको जो दे सकता है 500 1000 या कम या ज़्यादा जो भी दे सकता है एक बार दो, ताकि हम वकील को खड़ा कर सके। वो आपकी इच्छा है, आज और कल तक मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं कल दिल्ली निकल जाऊंगा, नहीं तो मैं पांडे जी को कॉल कर दूंगा, पांडे जी जो है अपने उन्हीं से लड़ो। तो ये मेरा नंबर है 8290-35-45-13, यही नंबर मेरा फोन पे गूगल पे पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी यही है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। बहुत से लोगों ने बीच में अपने, किसी ने अपने ही बार कोड सेंड कर दिए थे, किसी ने अपना ही नंबर दे दिया था, तो वो लोगों ने कम से कम मतलब 1 रुपया भी दिया नहीं और उल्टा कर लिया, वो तो भगवान देखेगा उनको। सिर्फ यही नंबर है, एक के मेरा अकाउंट नंबर और दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमारे पास फोन पे गूगल पे नहीं है। तो ये मेरा अकाउंट नंबर है 612-642-33-600। ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है SIFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से। ये दो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, ये आप लोगों ने तय करना है कि भाई अगर सीनियर एडवोकेट या उनसे सलाह लेकर, क्योंकि एक एडवोकेट खड़ा करेंगे और लोगों से सलाह भी लेंगे, और उन सबको सलाह के भी पैसे देने पड़ेंगे और खड़ा करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। जो बार बार फोन करके मेरे को कहते जरूर हैं सर जरूरत पड़े तो बताना, देंगे हम। एक जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि 50 रुपये भेज के कि सर मेरे पिताजी तो सुबदार हैं, अभी छुट्टी पर नहीं है, मैं अभी 50 भेज देता हूँ, और पापा जी बोल रहे बाद में हम 10,000-20,000 दे देंगे। तो शायद मुझे उम्मीद नहीं है जो आदमी अभी 500 देने में इतना कर रहा था कि वो बाद में कितना भी देगा। बाद की हम नहीं कहते क्या होगा क्या नहीं, यहाँ हम पहले क्लियर कर देते हैं, मैंने शुरू से भी किया है कि इस समय केस 90% युवाओं के हक में है, कोर्ट का रुख भी 90% हमारे में है। 10% हम इसलिए कह रहे हैं संविधान के अनुसार, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 100% हमारे हक में है अगर फैसला संविधान के अनुसार हुआ तो, लेकिन 10% हम कम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के वकील भी आएंगे, सरकार भी अपनी तिकड़मबाजी लगाएगी, सरकार भी पूरा कोशिश करेगी। तो वो 10% क्या निर्णय होगा, बार बार जो मेरे से पूछते हैं सर क्या होगा क्या होगा, 90% है। अगर आप और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो, अच्छा वकील होगा तो हमारे हक में परसेंटेज, और अच्छी दलील देने या अच्छी विचार रखने के लिए अच्छा वकील चाहिए। आपको अगर ये चीज़ समझ में आती है यहाँ तो मैं थोड़ा और आगे डिटेल दूँ। एक बार फिर कह देता हूँ, मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था कि उस दिन मैंने कह दिया था कि कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि सर हम तो गरीब परिवार से हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं, कोई कहता है कि भाई मेरे घर में कोई नहीं है, तो सर मेरे पास इतना था। ठीक है, कुछ लोगों का चल गया और अभी तक पांडे जी वाला हमने कैसे भी हाथ पैर जोड़ के चला दिया, लेकिन जो दे सकता है, जो फोन करके कह भी रहा है कि सर जरूरत पड़े तो बताना, तो मैं इंडिविजुअल को तो बोलूंगा नहीं कि भाई तू तो इतना दे दे, तू इतना दे दे। फिर कह रहा हूँ सभी की, जिन्हें दिया या नहीं दिया, जो दे सकता है और जिनको लगता है कि हाँ हमें लड़ना चाहिए, तो वो इस नंबर पर डालें और उसी हिसाब से कल मैं दिल्ली निकल के पांडे जी को बता देंगे भाई ये हमारे पास आया, अब इनसे जितना जो वकील हो सकता है कर लो। उस दिन मैंने एक दिन बीच में बताया था, लेकिन उस दिन टोटल ही 87,000 रुपये थे जो पांडे जी की जो बची कुची थी ना, वो भी पांडे जी मेरे को नखरे कर रहे थे, बोले यार रविंदर जी 10 बंदों को मैंने देना है, 3 दिन से ऑफिस में लोग बैठे हैं। तो चलो पांडे जी को हमने मना लिया, लेकिन अब सीनियर से कोर सबको मनाना, रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है, आप ही की तरह मैं भी एक मिडिल परिवार से हूँ, सेना से रिटायर्ड हूँ, आप मेरी जानकारी उसमें देख ही लियोगे। लड़ता हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ कि मुझे मेरी सेना जो कमज़ोर हो रही है उसके लिए लड़ रहा हूँ। ये युवा जो सेना में जाने वाले, ये हमारे ही छोटे भाई हैं, हमारे साथी हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर सबको क्लियर है तो एक बार फिर बता दिया मैंने, ये चीज़ बता ही दिया कि बार बार फ़ोन करके अब हमारे को 2-3 दिन लगेंगी वहाँ बैठकर वकीलों को ये पॉइंट समझाने के लिए। मेन पॉइंट ये कि आप जैसे हमारे को पहले ही बता दिया गया था कि भाई एयरफोर्स की जो ये भर्ती हुई थी उससे पहले, इसके बाद में सॉरी, एक भर्ती हुई है और उसमें ज्वाइनिंग हुई है, तो उसकी फिक्स डेट एयरफोर्स वाले बच्चे अपना इकट्ठा करो, फिक्स डेट, ऐसे नहीं अंदाज जैसे फलाना निकला, वो फिक्स डेट। आर्मी की अगर इस बीच में, जैसे आज ही सुबह मेरे को बताया कि सर 2020 में भर्ती हुई थी और उसकी 21 में एंट्री हुई थी, आपसे पहले भर्ती की प्रक्रिया जिसकी चली हो और उसका बाद में टेस्ट हुआ हो और वो इंटर हुआ हो,
वो पॉइंट हमें चाहिए, बिल्कुल ठोस पॉइंट, तो वो पॉइंट भेजें। इस दौरान आज 12 13 14 तीन दिन है हमारे पास, आज का तो आधा गया ही। कोई भी एक तो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो, क्या खा रहे हो, पी रहे हो ना, आपकी गुड मॉर्निंग और आपकी, इससे उल्टा हमारा काम अवरुद्ध होता है। 15 तारीख के बाद अगर हमारे पक्ष में भगवान करे फैसला आ जाता है, तो फिर आप आराम से गुड मॉर्निंग लिखो, जय हिंद रखो, फिर हम फ्री रहेंगे। हालांकि मैं फ्री नहीं, क्योंकि मेरे पास ये जो 6 लाख लोग जुड़े हुए पहले ही, इनकी समस्या लगातार, इन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा फुर्सत मिल जाएगी, क्योंकि ये हमारा बड़ा काम है। अब जैसे एक बार मैं फिर आपको बता दूं, जो मोटे मोटे पॉइंट हमारे वो पॉइंट हैं ही, उनके अलावा जो मेरे पास ये पॉइंट आए हैं, चाहे वो CMP की बच्चियों का हो, चाहे कोई भी हो, इनको हम डालेंगे। लेकिन इनसे भी कहूँगा कि भाई आप भी थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करें। भाई जब आपने लाखों रुपए एकेडमी में पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, तो यहाँ 500 या 1000 में कुछ हो जाएगा नहीं, यहाँ एक मौका है। अगर वो हमें मिल गया तो हमें पूरी हमारी खुशी मिलेगी और काम सबका हो जाएगा। कुछ लोग 1000 500 में भी हम असमर्थ है देने में, लेकिन उनका आपके सारे से सबका काम निकल जाए, हम वो काम कर रहे हैं कि फैसला सबके लिए आए, हमारी तरफ से हमने सबका लिखा हुआ है। एक पॉइंट और आता है कि सर हमने तो उधर पैसा दे दिया, उधर नाम लिखा दिया, हमारी तरफ से आपने कहीं भी पैसा दिया। बहुत से लोग करेंगे सर हमने वहाँ तो 500 दे दिया, 1000 दे दिया, और आपके पास 50 भेज दें, 100 भेज दें, तो हमारा नाम लिखा जाएगा फलाना। हमारी जो पिटीशन है उसमें एक ही नाम है, रविंद्र सिंह शेखावत का, और मैं उसमें नौकरी लेने वाला नहीं हूँ। मैंने वो पब्लिक इंटरेस्ट में डाला है, मैंने दिखाया है कि भाई मैं एक सैनिक हूँ और इन युवाओं का दर्द मेरे को दिखाया है। ये युवा 2 लाख युवा है जो पीड़ित हैं, और सरकार इन पर ध्यान दे। और पूरा के पूरा जो 8 या 9 हज़ार अपने एयरफोर्स के हैं, 1,53,000 आर्मी के हैं, जो एज सोमा में जो बढ़ गया वो सबके लिए बोला है। और ये और पॉइंट आए हैं, वो हम जब हमारी बहस होगी तो उनमें सारी चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे। भगवान ने चाहा तो हमारे पक्ष में फैसला आएगा। फिर कह रहा हूँ कि 90% उम्मीद है, 1% अगर हो जाता है तो एकदम ऐसे हड़बड़ाना नहीं, सर क्या हो गया, फलाना हो गया, धैर्य रखना, और लड़ाई रहेगी, तरीके और हैं, और लोगों ने भी डाल रखी है, उनका भी इंतज़ार करेंगे। नहीं तो अगर हम बोलते हैं ना संगठन में शक्ति, अगर ऐसे रहते हैं कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन ऐसे रहकर लड़ाई लड़ेंगे ना तो और लड़ सकते हैं। अगर इतने लोग सरकार से नहीं लड़ पाए तो कल अगर मेरा जैसा एक आदमी या कोई 5 आदमी 10 आदमी सरकार से लड़ पाएंगे। आज थोड़ी सी हिम्मत कर लोगे, आज थोड़ा सा दिखा दोगे, तो हम मजबूती से लड़ सकते हैं और फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट छूट गया हो तो मैं शाम को एक बार फिर कोशिश करूंगा, जैसे ही टाइम मिलेगा लाइव आकर आपको बता दूंगा कि भाई हाँ आगे की कार्रवाई क्या है। जो पढ़े लिखे हैं डेट को मैंने कल ही बता दिया था कि आप गूगल में या क्रोम में जाकर सर्च करेंगे तो वो आपको दिखाई दे देगा, जिसमें 15/7/2022 की हमारी डेट दी हुई है, 99% की कन्फर्म डेट है। ये बता दिया कि एक दिन पहले भी हो सकती है टेंटेटिव में, और एक दिन बाद भी हो सकती है। जैसे ही हो जाएगा सारा का सारा जो देखने वाले हैं वहाँ देख लेना, न्यूज़ वगैरह में ऑटोमेटिक आ जाएगा, और नहीं तो ये चैनल सारी अपडेट इस पर आती रहेगी कि क्या मांगे हमारी मांगी गई हैं। और हम एक चीज़ और इसमें यही कोशिश करेंगे कि अगर और आगे डेट बढ़ाते हैं या सरकार को देते हैं, सरकार समय मांगती है कि हमें समय दो, तो हम कहेंगे कोर्ट से, कोर्ट के आगे दलील रखेंगे कि अगर आप इनको समय देते हो, इसको लंबा डेट कर रहे हो, तो हमें भर्ती पर स्टे चाहिए। जो सरकार ला रही है ना अभी सेंटों की भर्ती, दबादब बोल रहे हैं, जुलाई से शुरू कर रही है, मतलब जो गलत होता है वो घबरा के उल्टे सीधे काम करता है, और वो सरकार कर रही है। इस समय सरकार पूरी फंसने के मूड में है, इसलिए हम भी जल्दबाजी करके कोर्ट से किसी भी तरह कि अगर ज़्यादा कर रही है तो आप सरकार की इन चीज़ों पर रोक लगाएं, जब तक फैसला नहीं आता है नई भर्तियाँ स्टे हों, या आश्वासन दिया जाए ये फार्म वगैरह कि इनके आने के बाद सबके भरे जाएंगे। एक बार फिर कह दूं कि ये बहुत ही हाईलाइट केस है, लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि टीओडी का जिक्र सब में है, टीओडी का एक अलग मैटर रखा गया है कि भाई इस पर विचार हो, जो कमियां हैं हमने उस पर सरकार को बताया है, टीओडी पर विचार किया जाए। 4 साल के बाद में जहां जाएंगे उनको विदाउट किसी भी मेडिकल वगैरह से, या जो भी है जो नौकरी जाए उसमें जाएं, या फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, 5 या 6 साल के ऊपर हो जाता है तो इसमें आपको जो पैसा है वो ऑलरेडी 30 या 35 लाख मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएटी वगैरह मिलना शुरू हो जाती है, मेडिकल फैसिलिटी, उसके बाद में अपना ये ECH का कैंटीन का ये सारी सुविधा, और एक्स सर्विसमैन कोटा मिल जाता है आपको।
तो उस चीज़ें हम सरकार के पास रखेंगे पहले हमारा ये काम होने के बाद में। वो डला हुआ है 88 पेज में, वो सारी चीज़ें हैं। एक अभी पॉइंट आया था मेरे दिमाग में कुछ लोगों का कि एक पॉइंट था अभी मेरे को याद था, क्योंकि वो बहुत से लोग लगातार कॉल करते हैं तो मैं उस पॉइंट के बारे में भी याद आ जाएगा तो बता दूंगा। हाँ, बीच में एक लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत लंबा चलेगा, 1 साल 6 महीने 2 साल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कह देता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी जुलाई के अंदर क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ये 20 से पहले पहले क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं लास्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हुआ तो सिर्फ जुलाई जुलाई के अंदर ये सारा खेल इधर या उधर हो जाएगा। धैर्य बना के रखें, फैसला हमारे में आता है तब भी ज़्यादा खुशी से पागल होकर कुछ उल्टा सीधा नहीं कर देना। अगर सरकार दबाकर, बोलते हैं ना कि सरकार तो सरकार है, तानाशाही करेगी कोर्ट को और इनको अपने कंट्रोल में करके अगर खरीदने की जो भी करती है, वैसे हमें न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए कि हमें फैसला मिलेगा और उम्मीद से हम जीतेंगे भी। लेकिन फिर भी अगर 1% हो जाता है तो घबराना भी नहीं है, दूसरे तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। और कोई पॉइंट छूटता है तो ही कॉल करें, नहीं तो 3 दिन अब हमें काम करने दें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।